करोमि अहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि ऋषि रूपा सीता सरती हरति नो दुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानंजन शलाकया चक्षु मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कल विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम संबंधकम भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकमिदम शास्त्रम श्री तत्त्वार सूत्र नाम देयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहसि सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहसि गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोसार मासाद सिद्मद आचार प्रवर श्री उमा स्वामी देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मवस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण शीतस्थित कानि चैव पंचाशदष्टो चसहस्र संख्या मेत्वच्छतम पंचपदम अरहंत भासी अत्थम गणधर देवी गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदनाणमो बहिम शेषा इच्छाई बंते सुध भक्ति काउस गौ तस्लुचिम अंगो भंग पैडय पाउडय परियम्य सुत प्रणमामि ओग पब्ब गचुलिया चेव सुतम्य कायम सहन चालम अंजेमि पूजेमि वंदामि नमम स्वामी दुख कौ कम कौ वो लाओ सोई गणम समय मनम पौराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारिगेभ्यः स्वपरमद विभावना पटु मतेभ्यः सुचरित तपो निधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार कण संदर्शे शिष्य अनुग्रह कुशले धम्मा हृदय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण यतंति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पाविन्ति ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभृतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा ग्रहण प्रेरणा चंद्राकते ज्योतिगा मुक्षद्वार कपाट बाटन बटा पीड़न्तु माम साधवा उर्वा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाएं बनते आरि भक्ति काउसौ तस्लुचिम समनान समसुदत्ताणम पंच व्याचारम आयरियानम आयरादि सुनाद वेश्याण वज्जायाणम तिरुवर्पाणम सब सौणम सयान चकालम चेमी पूजेमी वंदामि नमसामि दुख कौ कम कौ वैलाओ सुगी गणम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोले चौबीस तीर्थंकर भगवान की परिवर्षण पर्व की उमा स्वामी महाराज की
मुख माटी रचयिता आचार्य परमिष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी महाराज की, आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन और तत्वा सूत्र का तृतीय अध्याय। चार अनुयोगों में इसमें कर्णानुयोग की मुख्यता से वर्णन किया गया है, जिसको बोलते हैं जैन भूगोल, जैन ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, उसका वर्णन इस तृतीय अध्याय में किया गया है। योग सागर महाराज जी ने परसों कहा था कि यह तत्वासूत्र अपने आप में बेजोड़ ग्रंथ है। आचार्य श्री कहते हैं कि इसमें लिखी गई टीका भी जो पूज्यपाद स्वामी द्वारा, आकलंग देव स्वामी द्वारा लिखी गई हैं, वह टीकाएं भी बेजोड़ हैं। पूज्य उमा स्वामी महाराज जी कुंद महाराज के पट्ट शिष्य थे और उन्होंने यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ इसे माना जाता है। आचार्य श्री इस ग्रंथ को जैन धर्म की चाबी कुंजी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और हमें पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं जिसमें जो नारकी अधोलोक का वर्णन है, जहाँ पर रहते नारकी वहाँ पृथ्वियाँ की व्यवस्था कैसी है। सूत्र रत्न सरकरा बालुका पंक धूमतमो महातमा प्रभा भूम्यो घनाम्बुबाता काश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। भूमियाँ, ये भूमियाँ सप्त सात हैं, कैसे हैं, अधो अधा एक के नीचे एक हैं, उनके नाम रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातमा प्रभा। प्रभा मतलब उसमें चमक है, चमकती हैं, उसकी रत्न के समान है। इनके अन्य नाम भी हैं धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माधवी। ये सातों पृथ्वियाँ घनाम्बु बाता काश प्रतिष्ठा अर्थात घनोदधि बाद वलय, घन बाद वलय, तनु बाद वलय और आकाश के आधार से स्थित हैं। ये तीनों वलय किस प्रकार से हैं वो आपको बतलाने के लिए गुरुजी एक सूत्र बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं। मैं आपको रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जो वाहन गाड़ी होती हैं उसमें जो चक्का होते हैं तो उसमें सबसे पहले रिंग होता है, ट्यूब होता है और टायर होता है। उसी प्रकार से घनोदधि बाद वलय, घन बाद वलय और तनु बाद वलय और उसके बाद में आकाश द्रव्य है। ये एक दूसरे के आधार में है, लेकिन आकाश द्रव्य अपने आप में आधार है उसका, क्योंकि वह अमूर्तिक है। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा 1,80,000 योजन मोटी है, दूसरी 32,000 योजन, तीसरी 28,000, चौथी 24,000, पांचवी 20,000, छठवीं 16,000 और आठवीं जो महातम प्रभा भूमि है वो 8,000 योजन मोटी है। पहली जो पृथ्वी है उसके तीन भाग हुए, पहले 16,000 योजन का खर भाग, दूसरा भाग पंक भाग जो 84,000 योजन मोटा है और तीसरा जो है 80,000 योजन मोटा अब्बुल भाग है। खर और पंक भाग में भवनवासी और बेंतर देवों के निवास स्थान बने हुए हैं। वास्तव में पहले भाग की जो तीसरी अब्बुल भाग है उसमें प्रथम नरक की व्यवस्था है, प्रथम पृथ्वी है वो। यह अधोलोक वास्तव में वेत्रासन के समान है, जो कि पूरब पश्चिम से सात राजू चौड़ी है और ऊपर एक राजू है। वैसे उमा स्वामी महाराज जी ने राजू का उल्लेख तो नहीं किया है, ना ही सचखंड आगम में इसका उल्लेख आया है, लेकिन तिलो पंडितिकार और में इसका उल्लेख आया है। और इन सात नरक के बाद में एक राजू को
कलकला पृथ्वी बोलते हैं, कलंकला पृथ्वी बोलते हैं, जिसमें से जिसमें निगोद आदि पांच स्थावर रहते हैं। स्वामी अकलंगदेव महाराज ने ऐसा उसमें उल्लेख किया, अपने ग्रंथ में किया है। इन सातों पृथ्वियों में पटल हैं। पहली नरक में, पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवे में 5 और दूसरे छठवें में 3 पटल हैं और आखिरी पृथ्वी में 1 पटल हैं। इस तरह से कुल 49 पटल होते हैं। 49 पटल मतलब मंजिल हो गई। वास्तव में जो भूमियां हैं सिर्फ इतने वजन में नहीं, पूरे 6 राज्यों में तो हैं, बीच बीच में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का इसमें अंतर है, गैप है। अब उन में नारकियों के स्थान हैं तो कितनी संख्या में हैं, बिल हैं, तो अगला सूत्र तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस त्रिपंचोनेक नरक सत्सहस्राणी पंच चैव यथाक्रमम। सत्सहस्राणी यानी लाख, पंच चैव यथाक्रमम, नहीं यथाक्रमम, क्रम क्रम से लगाते जाएंगे कि तासु यानी उन पृथ्वियों में कितने हैं, 30 लाख है ना। सत्सहस्राणी तो लाख हुआ, तो 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और सबसे आखिरी पृथ्वी में 5 बिल हैं। बिल क्या कहलाते हैं, ये सड़क में गड्ढे होते ना, उसी प्रकार से वहाँ पृथ्वी में ऐसे बिल बने हुए हैं। इस तरह से कुल 84 लाख बिल हो जाते हैं। उनमें बिलों की व्यवस्था कैसी है कि जो मुख्य होता बिल उसको इंद्रक बिल बोलते हैं और जो उसी की दिशा विशा में जो होता है उसको श्रेणीबद्ध बिल बोलते हैं और आसपास बिखरे रहते हैं उसे प्रकीर्णक बिल बोलते हैं। आप लोग ने कैरम बोर्ड खेला होगा, सुना होगा, देखा होगा, उसमें जो कीन होती है बीचों बीच रखी जाती है वो इंद्रक बिल के समान है और शेष काली और सफ़ेद गोटी जमाई जाती हैं वो श्रेणीबद्ध बिल के समान है। जब स्टाइगर से उसको मारा जाता है सब गोटियाँ आसपास में पूरे फैल जाती हैं, इस तरह से प्रकीर्णक बिल होता है। अब आप बताइए मैंने यह उदाहरण क्यों दिया कि जो अपने आचार्य परमेष्टि गुरुदेव थे उनको अपने समय में यह खेल बहुत ही पसंद था। अब उन नारकियों की क्या विशेषता है, अगला सूत्र नारका नित्या सुप्त लेस्या परिणाम देव वेदना विक्रिया। वे नारकी हमेशा नित्य कैसे रहते हैं, असुप्तर लेस्या वाले होते हैं, असुप्तर परिणाम होते हैं, असुप्तर देह होती है उनकी, असुप्तर वेदना होती है और असुप्तर उनकी विक्रिया होती है। अब सबसे पहले लेते हैं उनकी लेस्या, लिम्पति थी लेस्या, भाव लेस्या और द्रव्य लेस्या दो प्रकार की होती हैं, लेकिन नारकियों में कोई लेस्या बदलती नहीं है, उसी में तारतम्यता रहती है। जैसे कि प्रथम नारकी और द्वितीय नारकी, द्वितीय नारकियों में और तीसरे के और इनमें कापोत लेस्या होती है और तीसरी पृथ्वी के ऊपर तरफ भी कापोत लेस्या होती है, तीसरी पृथ्वी के नीचे हिस्से में नील लेस्या होती है, चौथी पृथ्वी में नील लेस्या होती है और पांचवी पृथ्वी के ऊपर भी नील लेस्या होती है और पांचवी पृथ्वी के नीचे नील लेस्या होती है, हाँ कृष्ण लेस्या होती है और छठवीं पृथ्वी पर में कृष्ण लेस्या होती है और सातवीं पृथ्वी में भी महाकृष्ण लेस्या होती है, हाँ कृष्णतम काला काला ऐसा षठखंडागम में आया है, तीव्रतम काली होती है, काला काला वास। ये पूरे नारकी कहाँ रहते हैं, त्रिशनाड़ी में रहते हैं जो कि एक राजु प्रमाण है। जैसे भी आप लोग ने पंडाल में देखा होगा ये जो पथ आया ना, रैंप बन के आया ना जिसमें चल के महाराज जी लोग आते हैं, इसी प्रकार से पूरे 3 लोक में बीचों बीच त्रिशनाड़ी बनी हुई है, एक राजु प्रमाण की है जिसमें त्रिश जीवों का निवास होता है, उसी में नीचे अधोलोक में नारकी लोग रहते हैं। आगे लंबाई तो 14 राजु, उसमें 13 कुछ कम 13 14 राजु हो जाती है लोकनाड़ी उसमें। अब लेस्या क्या कहलाती है, जो जो तीनों अशुभ लेस्या है ना, तो बहुत क्रूर परिणाम होते हैं और बहुत ही
अधिक झूठ बने जिनकी मतलब लक्षण होते हैं और बहुत ही आलसी आदि होते हैं, ये सब जो अशुभ लेस्या बताई हैं उनके लक्षण बताए गए हैं। अब आगे परिणाम को बताते हैं। उन नारकियों के परिणाम अशुभ होते हैं, अशुभतर होते हैं, अर्थात उनके स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द सभी अशुभ होते हैं। कि किस ढंग से होते हैं कि हजारों बिच्छू भी काट दें, जो दर्द होता है उससे भी तीव्र वेदना वहाँ के नारकियों को होती है। हाँ, एक उदाहरण याद आ गया कि अमरकंटक में 2000 सन में आचार्य श्री को हर्पिस रोग हुआ था, और बाद में कोई व्यक्ति ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री हमको भी रोग हो गया था, इसमें हमको बहुत ही वेदना हुई थी, बहुत दर्द होता है। तब आचार्य श्री ने कहा था कि हाँ, बिच्छू शेष डसे नहीं तिसो। लेकिन ऐसे गुरु महाराज ने समता रूपी मलहम लगाकर, समता रूपी दर्दनाशक ट्यूब लगाकर और सीधे उस पेंड्रा से अमरकंटक की ओर 30 किलोमीटर का विहार कर दिया था। और वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधयुक्त होती है कि उसका यहां पर उसका कारण क्या स्थिति बनेगी। समय सागर महाराज जी की मैंने वह सुनी थी, तो समय सागर महाराज जी ने उसमें इसके लिए कहा था कि वहां का यहां एक कण भी यहां पर आ जाए तो हम यहां एक भी नहीं रहेंगे, एक भी नहीं बचेंगे। तो इस तरह वहां नरक की स्थिति होती है। वहां पर देव शरीर कैसा होता है तो वहां हुंडक संस्थान वाले उनका सब देव होता है, अशुभतर ही होता है, और वह आपस में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। वेदना के लिए बताते हैं कि वहां तीव्र वेदना होती है, असाता वेदनी को जैसे वहां तीव्र वेदना होती है। और वहां पर किस तरह से वेदना होती है, अर्थात वहां पर कितनी गर्मी ठंडी है कि पांचवी पृथ्वी तो बहुत गर्मी बढ़ती जाती है, पांचवी पृथ्वी के ऊपर भाग में गर्मी रहती है और नीचे भाग में ठंडी रहती है, और छठवें और सातवें में ठंडी रहती है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा गुरु जी के मुख से, कि किसी भी कोई बहुत बड़े लोहे के पिंड को यदि मेरु को यहाँ से लुढ़का दिया जावे तो इतनी गर्मी है कि वह मेरु का पिंड पिघलता 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 पांचवी पृथ्वी के ऊपर तक पहुँच जाएगा, पूरा पिघल कर लाल स्वर्ग हो जाएगा, पानी बन जाएगा। और फिर उसके बाद में जब पांचवी पृथ्वी के नीचे पहुँचेगा इतनी तीव्र ठंडी है कि वहाँ पर जमता और छठवीं और सातवीं के अंत में पहुँच करके एकदम पुनः उतना ठोस हो जाएगा। ऐसी वह नारकी लोग वेदना सहन करते रहते हैं। और भूख प्यास की वेदना तो आप सबको सुना होगा, पहली ढाल में आपने पढ़ा होगा ना कि 3 लोग को नाजुक खाए, और आगे उनकी विक्रिया भी ऐसी होती है, असुभतर होती है। और उनकी जो ऊंचाई होती है, पहले नरक की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल रहती है, अगले नरक में उनकी नारकियों की आयु बढ़ती जाती है, दुगनी दुगनी होती जाती है। इस तरह से 5वें नरक में वह जाके 125 धनुष हो जाती है, 6वें नरक में जाके 250 धनुष हो जाती है, और आखिरी 7वीं पृथ्वी में जाकर वह 500 धनुष की हो जाती है। अब उन नारकियों के लिए और भी कोई दुख है क्या? अगला सूत्र, परस्परो दीरित दुखा। परस्पर वे नारकी आपस में उदीरित उत्पन्न किए हुए दुख को भोगते रहते हैं। उनको किन कारणों से दुख होता है? तो क्योंकि वहां पर हमेशा नकारात्मक सोच होती है। क्षमा सागर महाराज जी कहते थे कि नकारात्मक सोच का पूरा परिणाम वह नारकियों को देखने मिलता है, और सकारात्मक सोच पूरे देव में होते हैं। जितने अधिक दुख नरक में है उतने ही अधिक सुख देव में है। तो नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग का परिणाम नरक है, और पॉजिटिव थिंकिंग का परिणाम देवगति है। अब हमको विचार करना है कि हम कैसे विचार रखें। आगे किन कारणों से दुख होता है? अगला सूत्र, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थ्या। प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पहले संक्लिष्ट जो विशेष जिनको संक्लिष्ट होते हैं ना, ऐसे असुर देव सब अच्छे होते हैं, उसमें कुछ संक्लिष्ट परिणाम वाले होते हैं, उनको अमरा बरीस नाम के देव बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि तीसरी
पृथ्वी तक जाकर के आपस में नारियों को भिड़ाते हैं, दुख देते हैं, है ना, आग में घी का काम करते हैं। सुना होगा आप लोगों ने ना कि दोनों दिया में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। तो ऐसे असाता की उद्दीर्णा करवाने में वे सहायक होते हैं। और इसमें च शब्द जो आया है वह बता रहा है कि सिर्फ वहां पर दुख देने के लिए नहीं जाते हैं, कल्पवासी देव भी धर्म के संबोधन के लिए जाते हैं। देख लिए, कल आचार्य श्री ने बताया था कि नारकियों में कितनी अधिक वेदना होती है कि उनको पश्चाताप होता है, इतना पश्चाताप होता कि अब हम ऐसे काम नहीं करेंगे, यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, उसके फलस्वरूप उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कितना अद्भुत है। और धर्म को देश के द्वारा भी हो जाता है और जाति समूह के द्वारा भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वह आगे उन नारकियों जब इतने दुख प्राप्त होते रहते हैं तो क्या उनका अकाल मरण होता है? नहीं होता है। तो उनकी आयु बता रहे हैं अगला सूत्र, तेस वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थितिः। तेसु उन नरकों में सत्वानाम नारकीय जीवों में परा उत्कृष्ट आयु होती है। कैसे? कि रत्न प्रभाव में एक सागर आयु, सरका प्रभाव में तीन सागर आयु, तीसरी पृथ्वी में सात सागर, चौथे में दस सागर, पांचवे में सत्रह सागर, छठवें में बाईस सागर और सातवें में तैंतीस सागर होती है। अब सागर यानी लंबा समय। हम उदाहरण के लिए बता दें कि वर्तमान में जितने भी पांच महासागर, इन सबके सागर का पूरा पानी इकट्ठा कर लो और 100-100 साल में एक एक बूंद निकालते जाओ, जितने समय में पूरे पांचों सागर खाली होंगे उतने समय को आप सागर मान लीजिए मोटे तौर पर। उनका आपस में नारकों अकाल मरण नहीं होता है, इसलिए वे आपस में ही विक्रिया द्वारा अपने तलवार चाकू आदि बना करके एक दूसरे को मारते रहते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर किसी ने अपराध किया, किसी एक व्यक्ति को मारा, तो एक बार उसको फांसी की सजा दे दी गई, मान लो उसने 50 व्यक्तियों का मान लो संकलित परिणाम से मतलब मार दिया, तो 50 बार फांसी कैसे होगी? उसी की व्यवस्था कहाँ पर है? तो नारकियों व्यवस्था है, मतलब 50वां बार उन लोगों को वहीं पर ऐसे कष्ट दुख सहन करते रहते हैं। और एक नारकी दूसरे नारकियों के लिए इतने दुख देते हैं कि तिल तिल करें दे के खंडे उनसे, तब भी उन पर उनका अकाल मरण नहीं होता है। लेकिन क्या वहां पर कुछ सुख नहीं है क्या? हाँ है। कैसा सुख होता वहां पर है आपको बता देते हैं कि तब स्वर्ग तब नरकों में भी शांति पड़ी जब जन्मे थे महावीर प्रभु। जब जन्म कल्याणक होता है तीर्थंकर भगवंता का तो ऐसा उनका पुण्य प्रभाव होता है कि एक क्षण के लिए उन तीर्थंकर उन नारकियों को भी सुख की अनुभूति होती है। जैसा कल महाराज संभव साहब महाराज जी ने बताया था कि पुण्य फला अर्हंता। और आगे बताते हैं अधोलोक से अपन ऊपर आते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि अपन वहां पर जीव जाता क्यों है? क्योंकि इन सब पाप कार्यों करने से संकलित परिणाम करने से वहां पर जाता है। और अगले जब छठवें अध्याय में आएगा कि नरक आयु का असल कारण क्या है, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने के कारण से नरक आयु का बंद होता है। इसलिए हम वहां पर जाने से बचें तो क्या करें? रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। अब आप लोगों को नरक मध्य लोक में हम सभी आते हैं। अब सात भूमियों में अधोलोक का वर्णन के बाद में 13 लोक, अगला सूत्र, जम्बूद्वीप लवणो दाद्या सुभना मानो दीप समुद्रा। वह मध्यलोक में जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि नाम के सुभना मानो सुभनाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। पूरे मध्यलोक एक राजू प्रमाण है, उसमें असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र हैं। जम्बूद्वीप लवण समुद्र धातकी खंड कालोदी समुद्र आदि 8 क्रम से बढ़ते जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र जो होता है सबसे आखिरी में शंभू लवण समुद्र होता है। और सब उस शेष आधे राज्यों में
असंख्यात द्वीप समुद्र होने के बाद भी सबसे आखिरी में शंभु रमण समुद्र होता है। मतलब आधे राज्यों में शंभु रमण समुद्र है और आधे राज्यों में शेष जितने भी बचे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। अब इन द्वीप समुद्रों की रचना के बाद में उनके विस्तार और रचना बताते हैं। अगला सूत्र, दृढ़ दृढ़ विष्कंभा पूर्ण पूर्ण परिक्षेपण बलया कृतहा। ये द्वीप और समुद्र कैसे हैं? दूने दूने विस्तार वाले हैं। बलया कृतहा मतलब चूड़ी के आकार के समान है और पूर्ण पूर्ण परिक्षेपण अर्थात पूर्ण पूर्ण के द्वीप और समुद्र को घेरे हुए हैं। आपने जो विधान आदि करते हैं ना, उसमें आपने जो उसका मंडला बनाया होगा तो एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, इसी प्रकार से मध्यलोक में एक राजू प्रमाण में असंख्यात द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। उसमें जो सबसे पहले जम्बू द्वीप है वह तो थाली के आकार का है, बाकी सब चूड़ी के आकार के हैं। अब आगे उन अब इसमें जो मुख्य है जम्बू द्वीप है जिसमें हम सब रहते हैं, तो उसका आगे का आकार और विस्तार बताने के लिए अगला सूत्र है, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्त्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप। अब मध्यलोक के बीचों बीच जम्बू समुद्र है, जम्बू द्वीप है, उसका विस्तार कितना बताया है? 100,000 योजन है। उन द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु, उसके नाभि में मेरु है जो कि 100,000 योजन प्रमाण का विस्तार वाला है। अर्थात जम्बू द्वीप भी 100,000 योजन प्रमाण का भी है, उसके बीच में मध्य में जो जम्बू जो मेरु है वह भी 100,000 योजन ऊंचाई है। अब 100,000 योजन क्या कहलाता है हम आपको बता देते हैं। 4 करोड़ मील का 100,000 योजन होता है। अर्थात जिस मेरु पर्वत पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है, आप लोग आप यहाँ पर क्रिया करते हैं, वह 4 करोड़ मील ऊंचा है और उसका अब वह जम्बू द्वीप के बीच में है तो जम्बू द्वीप भी उसका व्यास डायमीटर वह भी 100,000 योजन है। उसको घेरे हुए जो लवण समुद्र है, ये जो मेरु है उसकी 1,000 योजन तो नीव है और शेष 99,000 उसकी ऊपर ऊंचाई है और उसके ऊपर भी 40 योजन की एक चूलिका है जो हमको थोड़ा बहुत पढ़ा मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। उसमें जो भी शंका समाधान आपको शंका आदि हो तो बाद में आप लिख करके समाधान के लिए स्लिप यहाँ भिजवा सकेंगे कक्षा के बाद में। हाँ पूरा प्रयास करेंगे और नहीं हमसे नहीं बने तो हम महाराज जी लोग कर देंगे, आचार्य श्री कर देंगे। अब आगे उसके आगे लवण समुद्र धातकी खंड घिरा हुआ है और इस तरह से वह पूरा जम्बू द्वीप जो घिरा हुआ है उसके आगे उस जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें जम्बू द्वीप में एक उत्तर कुरु है, उसमें एक जम्बू वृक्ष है, उस जम्बू वृक्ष में रत्नमय जो अनादि निधन है ऐसा पृथ्वी काय नाम का जम्बू वृक्ष है। एक ही जम्बू वृक्ष नहीं है, उसमें 140,120 जम्बू वृक्ष हैं। ये त्रिलोक पंडित ग्रंथ में आप सब इसको देख सकते हैं, मैंने मोटा मोटा तौर से आपको बता रहे हैं। अब उसमें जो जम्बूद्वीप में विभाजन हुआ तो कुल क्षेत्र बनते हैं, तो कितने क्षेत्र हैं उसको बताने के लिए अगला सूत्र, भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हिरण्य बस्तैरावत वर्षा क्षेत्राणी। हाँ अर्थात जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, पहला भरतवर्ष, हेमवतक वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष और ऐरावत वर्ष। भरत वर्ष, यहाँ पर भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है इसलिए इसका नाम प्रथम चक्रवर्ती हुआ, इसलिए इसका नाम भरत क्षेत्र पड़ा और इसी कारण से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। अब आप विचार कीजिए कि हम अपने वतन को भारत बोलें या इंडिया। बहुत अच्छा, सभी की आवाज़ आई है कि इसको अपन भारत ही बोलेंगे क्योंकि हमेशा से भारत बरस रहा है।
अब मैं उसकी भरतवर्ष की भरत जो क्षेत्र है भरतवर्ष है उसकी मैं आपको व्यवस्था बताता हूँ। इस भरत क्षेत्र के में जो इसके ऊपर पहाड़ है एक है उसमें हिमवान पर्वत है, उससे गंगा और सिंधु नदी दक्षिण दिशा की ओर निकलती हैं, लवण समुद्र मिलती हैं, उस हिसाब से इसके क्षेत्र बन जाते हैं। और भरत क्षेत्र के बीच में एक विजयांत पर्वत होता है, इस तरह से कुल दो नदी के द्वारा और एक पर्वत के द्वारा कुल छः खंड बन जाते हैं। इन छह खंडों में जो एक बीच का मध्य खंड है उसको आरा खंड बोलते हैं, शेष पांच खंड होते हैं उसको मलेच्छ खंड बोलते हैं। इस तरह से भरत चक्रवर्ती जब अपनी विजय को प्राप्त करने के बाद में अपना नाम लिखने के लिए गर्व से वहां पर जाता है तो उसको वहां पर कोई भी स्थान नहीं मिलता है। उस बिजार पर्वत के आगे वृषभाचल गिरी होती है, उसमें अपना नाम मिटाकर अपना नाम लिखता है। हम विचार करें कि हम दान आदि दें बिना नाम के दें, क्योंकि भरत चक्रवर्ती को भी अपना नाम मान कसाय के पोषण के लिए लिखना पड़ा। आपको बता दें यहाँ खजुराहो में आप लोग बैठे हैं, यहाँ पर हजार वर्ष पहले पाहिल नामक सृष्टि ने यहाँ पर पाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया और उसके लिए साथ साथ पृथ्वियों का दान दिया। और बाद में उसमें प्रशस्ति में क्या लिखा कि इन क्षेत्रों की इस मंदिर की जो रक्षा करेगा जीर्णोद्धार करेगा मैं उसका दास का भी दास होऊंगा। इस तरह से हमने आपको भरत क्षेत्र संबंधी बात बताई। अब उसमें उनका विभाजन कैसे होता है उसके लिए अगला सूत्र है, तद विभाजना पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखंडो वर्षधर पर्वतः। अब कोई एक हाल है उसमें सात कमरे बनाना है, टेम्पररी बनाना है मान लो, तो आप उसमें कितनी प्लाई लगाएंगे? छह प्लाई लगाएंगे। इसी प्रकार से ये है कि इसमें इसको अपन सात क्षेत्र में बनाएंगे तो अपन छह पर्वत बनाएंगे, इसे बने हुए पहले से उसको बता रहे हैं कि उस जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले पूरे अपर परायता यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक कौन कौन से पर्वत हैं? हिम्बन महाहिम्बन, तीसरा निषद, चौथा नील, पांचवा रुक्मि और छठवा शिखरी पर्वत हैं। तो भरत और हेमवत क्षेत्र के भजन करने के लिए हिम्बन पर्वत हैं, हेमवतक और हरि क्षेत्र के भजन करने के लिए महिमन पर्वत हैं, और हरि और विदेह क्षेत्र के भजन करने के लिए निषद पर्वत हैं। और विदेह और रम्यक क्षेत्र विभाजन करने के लिए नील पर्वत हैं, रम्यक और हिरणवत के विभाजन करने के लिए रुक्मि पर्वत हैं, और हिरण पर्वत और एरावत पर्वत के विभाजन के लिए श्री पर्वत हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई क्या है? तो पहला पर्वत जो बताया 100 योजन ऊंचा है, दूसरा पर्वत 200 योजन ऊंचा है, तीसरा पर्वत 400 योजन ऊंचा है, पाँचवा पर्वत पुनः 200 योजन ऊंचा है, और छठवा पर्वत 100 योजन ऊंचा है। ये पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है ना। अब इन पर्वतों की विशेषता बताने के लिए अगला सूत्र, हेमार्जुन तपनीय बैडूर रजत हेमया। अब ये जो कुलाचल पर्वत होते हैं वो कैसे हैं? क्रमशः हेम, अर्जुन, तपनीय, बैडूर, रजत और हेम के रंग के समान हैं। हेम मतलब सोना जैसा, अर्जुन मतलब चांदी जैसा, तपनी मतलब तपा हुआ जो होता है सोने जैसा है, बैडूर मणि के समान है, और रजत यानी पूरा चांदी जैसा रंग है और हेम के समान है। इस प्रकार से पर्वत इस रंग के हैं। इसमें मैट प्रत्यय आया है जो तन्मय के अर्थ में होता है, इसलिए इसको कहना चाहिए कि इस रंग वाले नहीं हैं बल्कि इसी रूप हैं। अब इन पर्वतों की और भी विशेषताएं होती हैं उसको बताने के लिए अगला सूत्र, मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चतुल्य विस्तारा। इन पर्वतों के ऊपर जो पार्श्व भाग होता है उसमें नाना प्रकार के मणियां होती हैं, उन नाना प्रकार की मणियों से यह शोभायमान पर्वत होते हैं। और इसमें लिखा ऊपरी मूले मतलब ऊपर भी होता है, मूल में भी होता है, और चा यानी मध्य में भी होता है, यानी समान विस्तार वाले इनको पर्वत
को मानना चाहिए। कुछ लोग का कहना आता है, कुछ लोग यह कहना है कि इनके ऊपर मध्य और नीचे एक सा बोला है, तो सीधे उसको बोल सकते थे कि तुल्य विस्तारा। अब इसके अंदर कैसा क्या व्यवस्था है ये तो केवली भगवान ही जाने। अब इन पर्वतों के मध्य में जो तालाब है उसका कथन करने के लिए अगला सूत्र, पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयास्तेसा मुपरी। पद्म महापद तेसाम ऊपर यानी उन पर्वतों के ऊपर, पद्म महापद्म तिंगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के ये छह तालाब होते हैं। अर्थात हिमवंत पर्वत पर पद्म तालाब, माहिन पर्वत पर महापद्म तालाब, निषद पर्वत पर तिंगिंच तालाब, नील पर्वत पर केसरी तालाब, रुक्मिणी पर्वत पर महापुंडरीक तालाब और अंतिम शिखरी पर्वत पर पुंडरीक नाम का तालाब होता है। ध्यान रहे कि पद्म तालाबों के नाम एक से हैं, जिस आगे हम आपको बताएंगे इसमें कमल होते हैं, तो जो कमल का नाम है उसी तालाब का नाम भी वही है। अब पहले तालाब का जो विशेष ज्ञान उसके साइज मतलब विस्तार बताने के लिए अगला सूत्र, प्रथमो योजन सहस्टायामस तदर्द विस्कंभु हृदय। अर्थात प्रथम तालाब 1000 योजन लंबा है और अर्ध है यानी उसका आधा, विस्कंभ यानी उसकी चौड़ाई, तो कितना हुआ 500 योजन चौड़ा है। यह महायोजन लेना है, 2000 योजन का एक महायोजन होता है। इस तरह से वह पहला तालाब 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा है। अब उसकी गहराई भी है क्या, अगला सूत्र, 10 योजनावगाह। वह प्रथम तालाब 10 योजन गहरा है, अर्थात पहले मैं आपको बताया था, अर्थात वह 40,000 मील गहरा है। तालाब के मध्य में क्या है, अगला सूत्र, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उस प्रथम तालाब के मध्य में योजन एक योजन विस्तार वाला पुष्कर अर्थात कमल है, उसकी लंबाई भी एक योजन है और चौड़ाई भी एक योजन है। वह वास्तव में कमल कैसा है, वनस्पति कायक होता है, नहीं वह पृथ्वी कायक होता है। और इस कमल के परिवार में 140,115 और भी कमल होते हैं, उससे कम छोटे साइज के होते हैं। अब आगे बताते हैं कि और भी दूसरे कलांग विस्तार है, अगला सूत्र, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। आगे के तालाब और कमल क्रम से प्रथम तालाब और द्वितीय तालाब, प्रथम तालाब से और उसके कमलों से, ठीक है ना, द्विगुण द्विगुण दोबारा है ना, तो तालाब से भी और कमल से भी दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। अर्थात पहला तालाब 1000 × 500 × 10 बताया था, तो दूसरा तालाब हो जाएगा 2000 × 1000 × 20 हो जाएगा, तो तीसरा तालाब 4000 × 2000 × 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे लगाते जाना, फिर 4000 × 2000 × 40 हो जाएगा, फिर पांचवा तालाब 2000 × 1000 × 20 का हो जाएगा और आखिरी छठवा तालाब भी पहले तालाब जैसे 1000 × 500 × 10 योजन का हो जाएगा। अब उन कमलों पर और कोई व्यवस्था है उसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र, तन्निवासिन्यो दिव्या श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लोपम स्थित स समानिक परिषद कहा। उन कमलों की तन्निवासिन, उन कमलों की कणिकाओं पर रहने वाली देवियां होती हैं, उनके नाम हैं श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, जो कि पल्लोपम स्थिता अर्थात एक पल्लोपम की आयु वाली होती हैं। और किस प्रकार की, वह सामानिक और पारिषद देवों के साथ में
उनकी उनके साथ रहने वाली होती हैं। वास्तव में ये नाम एक एक नहीं है, इसके लिए आचार्य महाराज कहते हैं कि ये श्री ह्री आदि से पूरा ग्रुप होगा, एक जाति होगा, क्योंकि असंख्यात देवियाँ होती हैं तो उनमें ऐसे ग्रुप का नाम बताया है, एक एक देवी का नाम नहीं बताया है, इस ढंग से इसमें आता है। अब देवियाँ जो इसमें इसमें ये भी बता, आगे टीकाकारों ने इसमें लिखा भी है कि इसमें तीन देवियाँ जो होती हैं स्वाध्याय इंद्र की आज्ञा में रहती हैं और तीन देवियाँ ईशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। तिलोय परिणति ग्रंथ में तो इसको स्वाध्याय इंद्र की नियोगनी भी बताया है। आप और भी ग्रंथों में तत्वार्थ भारतिक आदि ग्रंथों में इसको आप देख सकते हैं, श्लोक भारतिक में भी देख सकते हैं, उसमें लिखा कि सब ब्रह्मचारिणियाँ हैं होती हैं। आगे उन क्षेत्रों का विभाग हुआ तो उस आगे नदियों का कथन करते हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। तन मध्यगा उन क्षेत्रों के बीच में रहने बहने वाली कौन सी हैं? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरित कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला और रूप कूला रक्ता और रक्तोदा ये नदियाँ होती हैं। इन नदियों की दिशा कैसी बहने की होती है? अगला सूत्र है देवर देवर पूर्वा पूर्वगाह। दो दो नदियों में से जो पूरी 14 नदी बताई ना आपको ना, उसमें पूर्व पूर्व की नदी पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं, पूर्वगाह। हाँ, सात जोड़े बनते हैं तो उसमें पहले प्रत्येक जोड़े की पहली नदी जो होगी पूर्वगाह अर्थात पूर्व समुद्र की ओर जाएगी। हाँ, आगे पूरा विस्तृत बता देंगे उसका। और शेष नदियां कहाँ जाती हैं? अगला सूत्र शेषास्त परगाह अर्थात शेष नदी जो सात जोड़े बनाए थे उसमें दूसरे वाली जो नदी है परगाह अपरगाह यानी पश्चिम समुद्र की ओर जाती हैं। इन परिवार नदियों का भी इनका परिवार होता है। अगला सूत्र चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंध वादियो नद्या अर्थात गंगा और सिंधु आदि नदियां इन सभी की 14,000 सहायक नदियां होती हैं। वह हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए कि पहला तालाब है पद्म तालाब है, उसमें से गंगा सिंधु नदी निकलती है भरत क्षेत्र में जाती हैं, उसकी सहायक नदियाँ 14,000 हैं। दूसरा तालाब है महापन तालाब, उसमें रोहित और नहीं पहला तालाब में से रोहितास्या नदी निकलती है और वह पश्चिम की ओर जाती है। पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र है, उसमें गंगा सिंधु और रोहित गंगा और सिंधु ये दो नदी बहती हैं। और दूसरा क्षेत्र हेमवत है, उसमें रोहितास्या और रोहित नदी बहती हैं, उनकी सहायक नदी 28,000 हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है हरि पर्वत है, उसमें हरिकांता और हरित नदी बहती है, उसकी सहायक नदी 56,000 हैं। और चौथा क्षेत्र जो विदेह क्षेत्र कहलाता है, उसके पश्चिम में सीतोदा नदी बहती है और सीता नदी पूर्व विदेह में बहती है, उनकी सहायक नदी बताया है 1,12,000 बताया है। और जो पांचवा है क्षेत्र रम्यक क्षेत्र है, उसमें नरकांता और नारी ये दो नदियाँ बहती हैं, उसकी सहायक नदियाँ 56,000 बताई हैं। और जो हरणवत और उसमें क्षेत्र है छठवा क्षेत्र है रूप कूला और सुवर्ण कूला ये नदी बहती हैं, उसकी सहायक नदी 28,000 बताई गई हैं। और सबसे आखिरी में जो क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र है, उसमें रक्ता और रक्तोदा ये दो नदी निकलती हैं बहती हैं, उसको उनकी सहायक नदियाँ 14,000 बताई गई हैं। आपको बता दें कि हमने 6 तालाब बताए थे और नदी 14 बताई थी, तो कैसे सेट बना? आपको बता दें जो पहला तालाब है उसमें से 3 नदी निकलती हैं, जो आखिरी तालाब है पुंडरीक उसमें से 3 निकलती हैं, शेष बीच के बने 4 तालाब उसमें से 2-2 नदी निकलती हैं, तो 8 और 6 14। ठीक है, आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और अब उन क्षेत्रों का विस्तार का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र भरता षड्विंशति पंचयोजन
सद्विस्तारः षठ चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरतः अर्थात भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र का षड विंशति पंच योजन अस्तर 526 योजन विस्तार वाला चा अर्थात और एक योजनस एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक प्रमाण है। अर्थात समझने के लिए 526 योजन लेंगे और एक योजन के 19 भाग करेंगे उसमें 6 भाग लेंगे, अर्थात 526 से ही 6/19 योजन विस्तार वाला यह भारत क्षेत्र है। वर्तमान में जो गणित चलती है ना बहुत कठिन लगती है, लेकिन आचार्य महाराजों ने इतनी सरल भाषा में हम लोग इतना अच्छे ढंग से बताया गया है कि आराम से पूरा समझ में आ जाता है, बस थोड़ा जागृत और रुचि की बात है। आगे हम चलते हैं कि इन क्षेत्रों का विस्तार और किस प्रकार से है। अगला सूत्र, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। विदेहांता अर्थात विदेह क्षेत्र पर्यंत, वर्ष दर पर्वत और क्षेत्र किस प्रकार से हैं, भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। बस भरत क्षेत्र हुआ उससे दूना विस्तार वाला हिमवान पर्वत है, उससे दूने विस्तार वाला हेमवत क्षेत्र आ जाएगा, फिर उससे विस्तार वाला महिमान पर्वत आ जाएगा, उससे दूना विस्तार वाला हरि क्षेत्र आ जाएगा, और उससे दूना विस्तार वाला निषद पर्वत आ जाएगा, और उससे दूना विस्तार वाला विदेह क्षेत्र होता जाएगा। फिर आगे की व्यवस्था कैसे है। अगला सूत्र, उत्तरा दक्षिण तुल्य, अर्थात उत्तर के क्षेत्रों में और पर्वतों का वर्णन जैसा किया गया दक्षिण के तुल्य के समान है। अभी हम भरत क्षेत्र जो बैठे ना, हम दक्षिण दिशा की ओर बैठे हैं, जो जम्बू द्वीप है उसके दक्षिण दिशा की ओर बैठे हैं, और उसके बाद में जो विदेह क्षेत्र के ऊपर पूरा उत्तर क्षेत्र कहला जाता है। तो जैसी व्यवस्था दक्षिण क्षेत्र में बताई गई है उसी प्रकार से व्यवस्था उत्तर क्षेत्र में आप सभी लोग लगा लेना चाहिए। हम सभी, आप सभी लोग तो समझदार हैं। अब उन क्षेत्रों कि जो भरत आदि क्षेत्र बताए हैं उनमें सभी मनुष्यों का अनुभव समान है कि कुछ विशेषता भी है, उसकी शंका का समाधान के लिए अगला सूत्र, भरते रावतयो वृद्धिहासो षट समयाभ्याम मुसर्पिण्य व सर्पिण्याभ्याम। उन भरत और ऐरावत क्षेत्र में सठ यानी 6 प्रकार के अवसर्पणीय और उत्सर्पणीय इन कालों के द्वारा उसमें वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणीय मतलब विकास हो गया और असर्पणीय मतलब ह्रास हो गया। यहाँ पर जो आपको थोड़ा व्याकरण का बता दें, जो हमने उसमें पढ़ा था कि भरत भरत ऐरावतयो, हमने ज्ञान सागर महाराज जी की जो तत्वासूत्र में हिंदी टीका थी उसको मैंने पढ़ा, उसमें महाराज जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि यहाँ षष्ठी का द्विवचन भी इसको ले लेंगे और सप्तमी का द्विवचन भी ले लेंगे। किस ढंग से कि उसमें जो क्षेत्र हैं उसमें भी ह्रास होता है, एक योजन प्रमाण यथासंभव उसको लगा लेना चाहिए, और सप्तमी में लेंगे तो उसमें रहने वाले जो मनुष्य आदि हैं उनमें भी वृद्धि और ह्रास होता है। तो किस में वृद्धि और ह्रास होता है, मनुष्यों तिरंचों में जो क्षेत्र में रहते हैं उनकी आयु में, उनकी शरीर की ऊंचाई में, और उनकी बुद्धि और वैभव में वृद्धि होते हैं और ह्रास होता है, मतलब घटते भी जाते हैं और बढ़ते भी जाते हैं। उस श्रवणी काल में बढ़ते जाते हैं और अश्रवणी काल में घटते जाते हैं, और वह पूरा कैसा होता है तो उसके लिए बताते हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। हाँ, साइकिल होती है तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है और 10 कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी होता है। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको, यहाँ खजुराहो में महामना ट्रेन आती ना, आप लोग आए भी होंगे उससे, तो वह कहाँ, भोपाल से खजुराहो, ये क्या हुआ अप, और वापस जाती है तो खजुराहो से भोपाल डाउन, पूरा एक साइकिल बन गया। इसी प्रकार से
उस सर्पण और सुपने के पूरे एक साइकिल बन जाता है। यह इस उंडा अवसणी काल असंख्यात उस सर्पण अश्वनी के बाद में आता है। यह अपना पुण्य माने पाप माने जैसे ही माने, लेकिन ये अभी वर्तमान में असंख्यात उस सर्पणी और अश्वनी काल के बाद में हुंडा अवसणी काल आया है। इसकी कुछ विशेषताएं आप लोग देखे होंगे, तीर्थंकर की पुत्रियां होती हैं, चक्रवर्ती का मान आदि भंग होता है और तीर्थंकरों को उपसर्ग होता है और तीसरे काल में ही मोक्ष चले आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। ऐसी बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती हैं। हाँ, बाहुबली का मोक्ष, बाहुबली भगवान मोक्ष चले गए अपने पिताजी के पहले। ऐसी बहुत सी विशेषताएं इसमें है। आगे हाँ, पांच बाल्यती भी इसी काल में इसी कारण से हो गए हैं। बहुत अच्छा है। इसके आगे अपन अब चलते हैं कि इस कालों में हमने आपको बताया था कि तीन काल जो होते हैं अवसर्पणी और उसर्पणी के, हम डिटेल बाद में आपको बताएंगे कि जो प्रथम जो सुषमा काल, इन कालों के नाम मैं बताता हूँ कि पहला जो काल होता है सुषमा काल, दूसरा सुषमा काल, तीसरा सुषमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा और पांचवा दुखमा काल और सबसे आखिरी छठवा काल है दुखमा सुखमा काल होता है, दुखमा होता है। ये सभी अश्वनी काल के भेद हैं। इसका उल्टा लगा लेंगे तो अश्वनी काल के भेद आ जाएंगे ना। अब इन कालों की विशेषता बताने के लिए हम आपको बताते हैं कि जो शुरू में सुषमा काल और सुषमा दुखमा काल हैं, ये भोग भूमियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भोग भूमियाँ कहलाती हैं। उन भोग भूमियों में तो आहार तो होता है लेकिन निराहार नहीं होता है, मनमूत्र नहीं होता है, और वहाँ पर जो मनुष्य आदि होते हैं उनको पूरे 64 कलाओं का और 72 कलाओं का अक्षर गणित आदि का कलाओं का भी ज्ञान रहता है, निपुण रहते हैं। वहाँ पर कोई विकलंदी नहीं होता है, कोई असंगी पंचंदी नहीं होता है, और वहाँ के मनुष्य और तिरंचों का पहले नंबर का संघनन रहता है, वज्र वृषभ नाड़ा संघनन, और संस्थान भी उनका समचर संस्थान रहता है। और वहाँ की विशेषता होती है कि वहाँ पर हमेशा युगल संतानी जन्म लेती हैं, बेटा और बेटी दोनों मिलके एक साथ जन्म होते हैं, और उनके जन्म होने के साथ ही माता और पिता को छींक और जमाई आती है, उनका मरण हो जाता है। मरण होने के बाद में उनका शरीर कपूरवत उड़ जाता है, और वहाँ पर भोग, क्योंकि भोग भूमि है तो वहाँ पर जितनी भी सामग्री है वह कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है। और एक और बात बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं उनमें 9000 हाथियों का बल होता है, और वहाँ पर सिर्फ स्त्री और पुरुष होते हैं, नपुंसक वेद वाले वहाँ पर नहीं होते हैं। अब उन भूमियों में आगे बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था होती है। अगला सूत्र है, ताभ्याम अपरा भूमियो वस्तुतः, ताभ्याम उन भरत और ऐरावत क्षेत्र में के अलावा जो भूमियां हैं वह अवस्थित हैं, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एक सी रहती हैं, मतलब स्टे लगा हुआ है। जैसे आप लोग जानते ना, कोई समय में कोई घटना हो गई, स्टे लगा दिया, मतलब उसमें कुछ भी नो चेंज, इस प्रकार वहाँ पर होता है। जम्बूद्वीप में इस तरह से कुछ कितनी भू भूमि हो गई, 6 भू भूमि हो गई। हेमवत क्षेत्र, हैरणवत क्षेत्र में जगन भू भूमि हो जाएगी, हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र में मध्यम भू भूमि हो जाएगी, देवकुरु उत्तर कुरु में जो विदेश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसमें उत्तम भोग भूमि हो जाएंगी। इसकी दूनी धातु खंड में बताया तो कितनी हो जाएंगी, 12 भोग भूमि हो जाएंगी, और उससे दुगनी पुष्कर में तो डबल कहलाता है, लेकिन पुष्कराज ने आधा लिया अपने तो उसमें भी धातु खंड के समान ले लेंगे, अर्थात उसमें भी 12 भोग भूमियाँ ले लेंगे। इस तरह से ढाई द्वीप में कितनी भोग भूमि हो गई, 30 भोग भूमि हो गए। आगे आपको कर्म भूमि की बात भी बताएंगे। अब इन भूमियों में क्या समान, जो उनकी आयु कैसी होती है उसका वर्णन बताते हैं। एक द्वितीय पल्लुपम स्थिति हेमवतक हारी वर्षक देव कुरु बकहा, मतलब जो भोग भूमि की स्थिति बता रहे हैं कि जो हेमवत क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है और देवकुरु, इनमें मनुष्यों और तिरंचों की आयु क्रम कितनी होती है, क्रम से 1, 2 और 3 पल्ले की होती है।
असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है और ये सभी जितनी भी भोग भूमियां हैं शाश्वत हैं, जबकि यहाँ जो पहले हमने आपको बताई थी वह शाश्वत नहीं है। भरत ऐरावत क्षेत्र की जो भोग भूमियां है वह शाश्वत नहीं है। अब उत्तर दिशा में किस प्रकार की व्यवस्था है, अगला सूत्र तथोत्तर दक्षिण क्षेत्र के समान ही उत्तर में जानना चाहिए। जैसे जम्बूद्वीप में हमने आपको व्यवस्था बताई थी, उसी प्रकार से इसी में इसको लगा लेना चाहिए कि जैसी दक्षिण क्षेत्र में व्यवस्था है वैसी उत्तर क्षेत्र में जानना चाहिए। अर्थात उत्तर कुरु में देवकुरु के समान है, रमक क्षेत्रों में जो उनकी आयु है हरि क्षेत्र समान है, और हिरण क्षेत्र में उनकी जो मनुष्य की आयु है वह हेम्बा क्षेत्र के समान लगाना चाहिए। अभी मैं थोड़ा एक बात बताना भूल गया कि जो पहला काल था वह चार कुड़ाकोड़ी सागर का होता है, दूसरा तीन कुड़ाकोड़ी सागर का होता है, तीसरा दो कुड़ाकोड़ी सागर का होता है, और चौथा काल जो होता है 42,000 कुड़ाकोड़ी सागर का होता है, और जो पंचम काल अभी चल रहा है वह 21,000 वर्ष का है, और छठवां काल जो आने वाला है वह 21,000 वर्ष का होता है। और जो भोग भूमियों की आपने हमने व्यवस्था बताई थी उसमें जो जो उत्कृष्ट भोग भूमि वाले होते हैं वो 3 दिन बाद आहार लेते हैं, जो मध्यम वाले 2 दिन बाद आहार लेते हैं, और जो जघन्य वाले 1 दिन बाद आहार लेते हैं। आहार में क्या लेते हैं, पहले हरण या बीर के बराबर आहार लेते हैं, और दूसरा जो मध्यम भोग भूमि वाले वो बहेड़ा के बराबर आहार लेते हैं, और जो जघन्य भोग भूमि वाले हैं वह आंवला के बराबर आहार लेते हैं। और अभी पंचम काल चल रहा है, यहाँ के लोग अनेक बार आहार लेते हैं, ले लेते हैं। अब आगे विदेह क्षेत्रों की स्थिति बताने के लिए विदेहेषु संख्ये काला, मतलब जो विदेह क्षेत्र में स्थित होते हैं वह कैसे होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, संख्यात वर्ष के आयु वाले होते हैं। कितने वर्ष वाले होते हैं, संख्यात आयु वर्ष। अब संख्यात आयु वर्ष अर्थात एक पूर्व कोटि वर्ष को संख्यात आयु बोलते हैं। उसमें एक भी समय आगे बढ़ा दिया, उसमें जोड़ दिया, वह असंख्यात की कोटि में आ जाएगा। हाँ, अब 184 एक पूर्व कोटि क्या कहलाता है थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी गाड़ी तो राइट टाइम चल रही ना, चौरासी हजार वर्ष का एक पूर्व होता है, पूर्वांग होता है। कितना, 84,000 का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख। हाँ ठीक है, 84 लाख का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख गुणित 84 लाख अर्थात एक पूर्वांग गुणित एक पूर्वांग बराबर एक पूर्व, और उसमें 1 करोड़ का और गुणा कर दोगे तो वह बन जाएगा 1 पूर्व कोटि। अर्थात जब गुणा करके देखते हैं तो 70,56,000 गुणित 1 करोड़, इतने वर्षों का इतने एक पूर्व कोटि होता है। और यहाँ पर विदेह क्षेत्र आदि में जो जो मनुष्यों की आयु होती है इतने वर्ष होती है। इतना तो आपके कंप्यूटर में और आपके कैलकुलेटर में इतनी डिजिट ही नहीं आएंगी जितना हमारे केवल ज्ञानियों ने, मुनि महाराजों ने, आचार्य महाराजों ने, गणना प्रमिष्टि ने हमको बताई है। कर्मभूमि की आयु बताई है ना। अब विदेह क्षेत्रों में ये उनकी आयु के साथ साथ में वह उनकी अधिकतम जो ऊंचाई भी होती है 500 धनुष प्रमाण होती है, और जघन्य आयु अंतर्मूर्ति। अब इसका विदेह क्षेत्र नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले मनुष्य हमेशा विदेह अर्थात कर्म बंध को छेदने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम विदेह क्षेत्र पड़ा। क्यों, यहाँ पर कभी भी धर्म का उच्छेद नहीं होता है, इसलिए उस विदेह क्षेत्र में जो सीता सीता नदी बहती हैं उसके कारण से 4 विदेह बन जाते हैं और 8-8 नगरियां बन जाती हैं, कुल 32 नगरियां बन जाती हैं। और उसमें कुछ समय ऐसा था कि
पूरे विदेश क्षेत्र फुल रहता है, पूरी सीट फुल रहती है तीर्थंकरों से। और एक समय ऐसा भी आता है कि भारत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं और से एरावत क्षेत्र तीर्थंकर होते हैं। इस तरह से पांचों मेरु संबंधी पूरी 170 सीट पर तीर्थंकर विराजमान हो जाते हैं। और ऐसा समय शायद अजितनाथ भगवान के काल में, उनके तीर्थ में ऐसा समय आया था। हमारा भी पुण्य कि हमको आचार्य श्री के काल में हम लोग ने जन्म लिया। अब उस ढाई द्वीप में कितनी कर भूमियां हैं, तो जम्बू द्वीप में भरत, एरावत और विदेह क्षेत्र, ये तीन कर भूमियां हैं। धादखंड में से दूनी हो जाएंगी, अर्थात छह हो जाएंगी, और पुष्कर में भी छह कर भूमि हो जाएंगी। इस तरह से कुल 3, 6, 6 कुल 15 कर भूमियां हो जाएंगी। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बताने के लिए अन्य ढंग से बता रहे हैं। अगला सूत्र, भरतस्त विष्कंभो जम्बू दीपस 90% भागा, अर्थात भरतस्य भरत क्षेत्र का विष्कंभ विस्तार कितना है, जम्बू दीपस जम्बू द्वीप के 90% भागा, 190 भागों में से एक भाग प्रमाण है। अब आप कहेंगे कि पहले तो आपने बता दिया था, कब पहले आपने बता दिया कि 526 से 6/19 बताया था, अब इसको कैसे बता दिया आपने। भैया हम लोग अल्प ज्ञानी हैं, कम ज्ञानी हैं, तो आचार्य महाराजों को हम पर दया आ गई तो दूसरे ढंग से बता दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हम और उसको विस्तार से बता देते हैं कि जैसे मान लो आपको कहीं हथकरघा केंद्र खोलना है, ठीक है, और उसमें आपको 190 हथकरघा लगाने हैं, और एक में आपको एक हथकरघा के लिए आपके स्थान चाहिए 10x10 का चाहिए है, ठीक है ना, तो आप कैसे हिसाब लगाएंगे। तो सीधी सी बात है कि 10×10×190 = 19,000 स्क्वायर फुट जमीन में लगाएंगे। तो तो कोई पूछेगा कितने हथकरघे लगाना है, तो अपन 190 लगाना है। कितनी जमीन पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो इस ढंग से बता देंगे। कोई नहीं पूछ, नहीं हमको 10x10 में लगाना है तो कितने लगेंगे, तो घुमा फिरा करके अपन बताना चाहेंगे, साथ में अच्छे से बात समझ में आ जाती है। इसी प्रकार से जम्बू जो आपका भरत क्षेत्र का विस्तार बताया था, तो जम्बू द्वीप के 190 भाग में से एक भाग बताया और वहाँ पर बता दिया कि 526 से ही 6/19 योजन प्रमाण होता है। अब जम्बू द्वीप के बाद में जो दूसरा द्वीप आता है उसका कथन करने के लिए, व्यवस्था बताने के लिए अगला सूत्र, दृढ़ धात की खंडे, अर्थात धात की खंड में क्षेत्र और पर्वत जम्बू द्वीप से दूने दूने हैं। कैसे हैं दूने दूने, कि जम्बू द्वीप में एक ही सुमेरु पर्वत है, तो धाती खंड में विजय और अचल नाम के दो, और से उस यहाँ जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र थे तो विदेह क्षेत्र में 14 क्षेत्र हो गए। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत थे तो वहाँ 12 पर्वत हो गए, और जम्बू द्वीप में 14 नदी थी तो वहाँ पर 28 नदी हो गई। जम्बू द्वीप में नदी का कुल परिवार हमने हिसाब जोड़ के बताया था, जो सहायक नदियाँ होती हैं उसका प्रमाण था 3,08,000 नदियाँ होती हैं, तो वहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 6,16,000। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जम्बू द्वीप में जम्बू का वृक्ष होता है, उसी प्रकार से जो धात की खंड होता है उसमें जो धतूरा का वृक्ष होता है, हाँ कई लोग बोलते हैं धात के धतूरा भी आया है, कहीं बहेड़ा का भी आला भी आया, दोनों अवधान आए इसमें। हाँ एक अब उसके बाद में अगला है पुष्करार्धे च, पुष्कर द्वीप के आधे भाग में भी क्षेत्र और पर्वत आदि की संरचना जम्बू द्वीप से दूनी दूनी है। अब क्या इन द्वीपों में कि आगे कोई व्यवस्था है, यहाँ से जीव यहाँ से मनुष्य तीन जा सकते हैं। अगला सूत्र, प्रांग मानसूत्रान मनुष्या, हाँ प्रांग अर्थात इसी ओर रहो, छू नहीं सकते, ऐसा चाची ने कहा था कि छू नहीं सकते,
मतलब उसके पहले पहले, उसके पहले पहले मनुष्य रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? ढाई द्वीप में रहते हैं। हाँ, मतलब जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालो नदी और पुष्करवर द्वीप, इसमें ही उसका आधा। तो इसके बीच इसमें ही मनुष्य रह सकते हैं, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वह पुष्कर द्वीप जो होता है उसको आधे करने, उसको विभाजन करने वाला जो पहाड़ पर्वत है वह मानसूद पर्वत है। आप लोग ने उसमें देखा होगा ना कि अभी जो रक्षाबंधन कथा में आती है, विष्णु कुमार महामुनि राज पहला पैर अपना मानसूद पर्वत में रखते हैं। अब इस मानसूद पर्वत की उस साइड कौन जा सकता है? तो उसके लिए आगे बताते हैं कि जो केवली समुद्र घात होता है उस समय ही जो भगवान केवली के आद्य प्रदेश होते हैं पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, इसलिए वहाँ मनुष्य आयु का उदय रहता है, तो उसके बाहर चले जाते हैं। और मरणांतिक समुद्र घात के समय में भी मनुष्य के प्रदेश उस मानसर पर्वत के बाहर चले, उसमें जन्म लेना होता है ना, तब चले जाते हैं, उस समय मनुष्य आयु का उदय होता है। गुरु जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा चिंतन दिया था कि आहारक शरीर वाला भी इसके बाहर जा सकता है, क्योंकि आहारक कल जैसे समोसा महाराज जी ने बताया था कि वह व्याघात से रहित होता है, अप्रतिघाते, मतलब वह किसी अप्रतिघाते हैं। तो इस युक्ति के द्वारा भी और आगम से कोई भी उसमें बाधा नहीं आ रही है, इसलिए हमको गुरु महाराज जी की यह बात है सटीक लगती है कि मानसर पर्वत के बाहर भी आहारक शरीर वाला जा सकता है, क्योंकि उसके बाहर जम्बू उस नंदीश्वर द्वीप है और उन आहारक महाराज आहारक वृद्धि धारक वाले महाराज को यदि तीर्थ वंदना के भाव हुए तो वहाँ भी जा सकता है। और जो कुछ भी शंका समाधान करना हो, आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो गुरु महाराज जी से आप पूछ सकते हैं। अब मनुष्यों का भेद बतलाने के लिए अगला सूत्र, आर्या मलेश छाश्च। आर्य और मलेच्छ के भेद से ये मनुष्य होते हैं, अर्थात मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ। च शब्द आया है, उससे हम समूचन मनुष्य भी ले सकते हैं और कुभोग भूमि के मलेच्छ भी इसमें ले सकते हैं। अब उसका थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो आर्य किसे कहते हैं? जो गुणों से सहित होते हैं अथवा गुणवान लोग जिनकी सेवा करते हैं उन्हें आर्य कहते हैं, ऐसा तत्त्वार्थ वार्तिक में आया है। और जो धर्म क्रियाओं से रहित होते हैं वो मलेच्छ कहलाते हैं। अब आर्य मनुष्य थोड़ा भेद देख लेते हैं। आर्य मनुष्य दो प्रकार के, पहला रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। अब रिद्धि भी कितनियाँ होती हैं, कितने प्रकार के हो गए? तो आठ रिद्धियाँ होती हैं मुख्य रूप से, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औसत रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। इनके उपभेद हो जाने से, इनके उपभेद भी आठ होते हैं, तो आठ अठैया चौंसठ, चौंसठ रिद्धि होती ना, आप लोग सुबह पूजा पढ़ते होंगे ना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शु। अब आगे रिद्धि रहित आर्य के बताते हैं, वो भी पाँच प्रकार के हैं, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चरित्र।